मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्री के मृत्यु, बरहथवा में आग लगी, भैला पर 14 लाख बराबर के क्षति। प्रदेश नंबर 2 में नेकपा के संसदीय दल के नेता परिवर्तन, शत्रुघ्न महतो के मिलल जिम्मेवारी, सरकार द्वारा शिक्षक सब के जिलांतर सरुआ में रोक। सऊदी अरब से कतार ऊपर लगाओ नाकाबंदी, हटल आ संक्रमण बढ़ला बाद बिलायत में फेरू लॉकडाउन। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पत्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में, सरलाही के बरहथवा नगर पालिका में मोटरसाइकिल से पैदल यात्री के ठक्कर देला पर एक पुरनिया की मृत्यु भइल बाटे। वार्ड नंबर 9 45 बीघा स्थित नया रोड मधुबनी सड़क खंड में बरहथवा से नया रोड की तरफ जा रहल बा 58 पर 4531 नंबर के मोटरसाइकिल से वार्ड नंबर 9 रहे वाला पैदल यात्री वर्ष 70 के ज्ञान बहादुर तमांग के ठक्कर देला पर तमांग गंभीर घायल भइल रहनी। घायल तमांग के नमूना अस्पताल हरिवन में सामान्य इलाज बाद थप इलाज के खातिर बीरगंज के तरफ ले जाए के क्रम में रास्ते में मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी न्याय उपरीक्षक मदन कुंवर जानकारी दिले बनी। ऐसे ही मोटरसाइकिल ड्राइवर रामनगर गांवपालिका एक खैरवा रहे वाला 17 के सुशील गिरी आ पछाड़ी सवार बसवरिया गापा 6 चोरवा रहे वाला 18 के जयराम यादव इलाका प्रहरी कार्यालय मूर्तिया के नियंत्रण में रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। ऐसे ही सरलाही के बरहथवा नगर पालिका में बीतल रात अचानक आग लगी, भैला पर अंदाजी 14 लाख बराबर के क्षति भइल बाटे। बरहथवा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 मछली बाजार स्थित सुरेश राय के दूताला ईंटा आ माटी के से बनल भीत बांस आ खपड़ा के घर भइल, घर में आग लगी, भैला पर उक्त मूल्य बराबर के क्षति भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा जानकारी दिले बाटे। आग लगी से बरहथवा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 सीतापुर रहे वाला गुड्डू शाह के भूई तालाब में रहल किराना के गोदाम में रहल सामान सब जर के पूर्ण रूप में नष्ट होके अंदाजी 7 लाख। बरहथवा वार्ड नंबर 5 में ही दुकान कर रहल बसोरिया गांव पालिका वार्ड नंबर 6 सोहरवा रहे वाला अमरनाथ राय के उपरला तालाब में रहल कॉस्मेटिक आ डोरी के गोदाम में रहल सामान सब जर के पूर्ण रूप में क्षति भइल। अंदाजी आग लगी भइल घर के क्षति अंदाजी 3 लाख करके जमा 14 लाख बराबर के क्षति भइल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता मदन कुंवर जानकारी दिले बानी। सप्तरी के रूपनी गांव पालिका में ट्रक के ठक्कर से आज सवेरे एक जने की मृत्यु भइल बाटे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत रूपनी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित वीरेंद्र बाजार में भइल दुर्घटना में सप्तरी के विष्णुपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 1 के बासितपुर के 35 वर्षीय राम कुमार खतवे मंडल की मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के DSP एवं प्रवक्ता भुवनेश्वर प्रसाद साह जानकारी दिले बानी। इन्हें ठक्कर से गंभीर घायल भइल मंडल के स्थानीय अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल। प्रहरी जानकारी दिले बाटे पश्चिम से पूर्व के तरफ जा रहल ठक्कर दे वाला ट्रक के नंबर खुले सकल नहीं है। सरलाही में मोटरसाइकिल के ठक्कर से हरिन मरल बाटे। बारा में कार के ठक्कर से बाघ के मृत्यु भइल। एक हफ्ता न बीते सरलाही के बागमती नगर पालिका 3 स्थित नायर रोड बरहथवा सड़क खंड में मोटरसाइकिल के ठक्कर से हरिन मरल बाटे। उत्तर से दक्षिण के तरफ जा रहा प्रदेश 102042 पर 4009 नंबर के मोटरसाइकिल से ठक्कर देला पर हरिन के घटनास्थल में मृत्यु भइल। प्रहरी जानकारी देले बा हरिन के काल रात के ठक्कर देले बाद मोटरसाइकिल पलटल आ ओमे सवार सप्तरी के कंचनपुर नगर पालिका 11 रहे वाला 22 वर्षीय सुनील थापा सामान्य आपसाड़ी सवार सरलाही के हरिपुर नगर पालिका 1 रहे वाला 25 वर्षीय शिव कुमार महतो के मुड़ी आ बाया कोन में चोट लागल बाटे। ऐसे इलाका वन कार्यालय मूर्तिया के टोली मोटरसाइकिल आ मृतक हरिन की जिम्मा में भेजल गई बाटे। प्रदेश नंबर 2 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के संसदीय दल के नेता परिवर्तन कल गेल बाटे। राजनीतिक रूप में दू धार में विभाजित भइला संगे आज बैठल नेकपा संसदीय दल के बैठक से संसदीय दल के नेता सत्यनारायण मंडल के हटाओल गेल बाटे। प्रदेश सभा में नेकपा के 32 सदस्य मध्य 19 जने मंडल के अविश्वास प्रस्ताव मार्फत संसदीय दल के नेता से हटैले बाटे। उहे बैठक से संसदीय दल के नेता में शत्रुघ्न महतो के चयन कैले बा। प्रदेश 2 संसदीय दल के उपनेता में रामकुमार यादव प्रमुख सचेतक सुंदर बहादुर विश्वकर्मा आ सचेतक में बेची लुंगेली बानी। बैठक के बाद तुरंत नेकपा प्रदेश सभा सदस्य सब सभामुख सरोज कुमार यादव के नेकपा संसदीय दल के बैठक से कल निर्णय बारे जानकारी करैले बा लोग।
पिछला 24 घंटा में 522 जने में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में थप 522 जने में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। अभी तक कोरोना संक्रमित होखे वाला के कुल संख्या 262,784 पुगल बा। पिछला 24 घंटा में 578 जने कोरोना ठीक होकर घर लौट चुकल बानी। कोरोना से ठीक होखे वाला के संख्या 255,666 पुगल बा। कोरोना से थप 8 जने की मृत्यु भइल बा। अभी तक कोरोना से मृत्यु होखे वाला के संख्या 1,893 पुगल बा। आए वाला बैसाख 17 और 27 गते होखे वाला मध्यावधि निर्वाचन के मद्देनजर करत निर्वाचन आयोग मतदान स्थल तथा मतदान केंद्र निर्धारण कार्यविधि 2077 स्वीकृत कैले बाटे। आयोग से आज के विज्ञप्ति जारी करत कार्यविधि कार्यान्वयन के खातिर मतदान स्थल तथा मतदान केंद्र पुनरावलोकन संबंधी कार्यक्रम 2077 भी स्वीकृत कैल जनावल गेल बाटे। स्वीकृत कार्यविधि आ कार्यक्रम अनुसार ये पूछ 23 गते से जिला स्तर में मतदान स्थल तथा मतदान केंद्र निर्धारण संबंधी काम शुरू कैल जाए। कानून व्यवसायी सब प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा बृहत जिला से देखे वाला मांग करत सर्वोच्च अदालत में निवेदन देले वाले लोग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर कल कंचन कृष्ण नेपाने सहित के अधिवक्ता सब प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा बृहत इजलास से देखे के मांग करत निवेदन देले वाले लोग। उ लोग संयुक्त रूप में संवैधानिक इजलास में विचाराधीन मुद्दा बृहत पूर्ण इजलास में सुनवाई के मांग कैले बा। अधिवक्ता नेपाने हमनी से निवेदन शाखा प्रमुख बाबूराम दहाल के बुझावल आ बिहार संवैधानिक इजलास में निवेदन पेश करे के जवाब मिलल बतैनी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट में बिहान से संवैधानिक इजलास में नियमित सुनवाई के खातिर पेशी बाटे। सरकार शिक्षक सबके जिलांतर सरुआ अर्थात एक जिला से दोसर जिला में सरुआ होके के रोक लगेले बाटे। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र सानठीमी भक्तपुर से शिक्षक सबके जिलांतर सरुआ रोक लगेले बाटे। अभी शिक्षक सबके दरबंदी मिलान काम हो रहला से जिलांतर सरुआ रोक कल गल केंद्र के निर्देशक बसंत प्रसाद कुरेला बतैनी। कुरेला से सभी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सबके काल परिपत्र करत जिलांतर सरुआ रोका कल गल जानकारी करेले बानी। दरबंदी मिलान के काम संपन्न हो करेला और कुछ समय लागे के शिक्षक सेवा आयोग से स्थायी पद पूर्ति के खातिर जिलागत विवरण समेत प्राप्त भैया से दोसर सूचना जारी न भैया तक के खातिर सबे त श्रेणी के शिक्षक सबके जिलांतर सरुआ रोका कल गल कुरेला बतैनी। सऊदी अरब कतार के ऊपर लगावल नाकाबंदी हटेले बाटे। सऊदी अरब से कतार के ऊपर 3 वर्ष पहले नाकाबंदी लगैले रहे। आज सऊदी अरब में होखे वाला गल्फ के ऑपरेशन काउंसिल GCC सम्मेलन के पूर्व संध्या में सऊदी कतार ऊपर के प्रतिबंध हटाए के निर्णय के लिए बैठे। सम्मेलन में सऊदी और कतार बीच के विवाद समाधान संबंधी समझौता में हस्ताक्षर होखे वाला अमेरिकी अधिकारी सबके उद्धृत करत BBC जनैल बैठे। कतार आतंकवादी के बढ़ावा देहल आरोप पड़ोसी देश सब लगेले बाद सऊदी अरब हवाई आ स्थल नाकाबंदी कैले रहे। कतार ऊपर व्यापारिक राजनीतिक यात्रा प्रतिबंध भी लगाओल गए रहे। इस प्रतिबंध में बहराइन इजिप्ट लगात के देश सब भी साथ दे के कतार ऊपर घेराबंदी कैले रहे। कोरोना वायरस के नया लहर फैलला बाद बेलायत में फेरू लॉकडाउन कल गेल बाटे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से घर भीतर रहल लॉकडाउन के पालना करेला आह्वान कैले बानी। देशवासी के नाम में संबोधन करत प्रधानमंत्री जॉनसन संक्रमण तीव्र गति में फैल रहला से ओकर नियंत्रण के खातिर लॉकडाउन आवश्यक रहल बतैनी। अस्पताल घरेलू हिंसा तथा अत्यावश्यक काम के खातिर मात्र स्वास्थ्य संबंधी मापदंड अपना के घर से बाहर निकले के वहाँ की जानकारी करेंगे। नया प्रकार के कोरोना वायरस में देखला से बेलायत में हवाई उड़ान सब स्थगित भइल बाटे। लॉकडाउन घोषणा भइले पर भी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बंद ना कर जाए कह के जॉनसन जनैले बानी। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल नवासी मेगा हर्ज द्वारा मापल कल गए अनुसार सिमरौन गढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी न्यूनतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस रहा बा। ऐसे आज सवेरे 21 दोपहर 28 डिग्री सेल्सियस रहा रहे तो आज रात में 17 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गए बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:55 में बेर उगल है तो सजे 5:26 में बेर डूबल रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्री एक पुरनिया के मृत्यु। बरहतवा में आग लगी भैया पर 14 लाख बराबर के क्षति। प्रदेश नंबर 2 में नेकपा के संसदीय दल के नेता परिवर्तन शत्रुघ्न महतो को मिलल जिम्मेवारी। सरकार द्वारा शिक्षक सबके जिलांतर सरुआ में रोक। सऊदी अरब से कतार ऊपर लगावल नाकाबंदी हटल आ संक्रमण बढ़ला बाद विलायत में फिर लॉकडाउन।
बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल नवासी मेगाहर्ट्ज़ तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पत्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।